आप सुबह घर से निकला था ना, तो पहचान के एक सज्जन से मुलाकात हो गई और यार मिलते ही चढ़ गए मुझ पे कि आज देश को क्रांति की जरूरत है, बदलाव के लिए आंदोलन चल रहा है और आप एक्टिव नहीं हो। नहीं चुप हो आप? नहीं चुप क्यों नहीं हो गए यार, पेट जो भरा आपका, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, लाना तैयार आपके इस स्मार्टफोन पर जिसे लेकर आप घूमते रहते हो। एसी से निकलकर एसी में बैठने वालों ने ना इस देश की ऐसी की तैसी कर दी। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या? बोले यार चुप रहिए आप, आज देश की जमीनी हकीकत का पता है आपको। किसान मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन दहाड़े रेप हो जाते हैं, सड़क बिजली पानी इंडिया गेट से लेके कोलगेट तक और विज्ञापन से लेके व्यापन तक कितनी समस्याएं गिनाएं आपको। सांसें खत्म हो जाएंगी पर समस्याएं खत्म ना होंगी, पर आपको क्या, आप तो मजे से घूमिए अपने इस फोन के साथ यार। यार लानत है आप पे और आपके इस फोन पे। एक तरफ हम लोग हैं जो प्राणपन से बदलाव के पीछे जुटे हुए हैं, हम अपने परिवारों से कट गए, बीवी बच्चों की तरफ देखते भी नहीं, पर हमें इसकी परवाह भी नहीं है। पर आप, और हाँ हमारे कारण ही आप मंगल तक चले गए और वहां आपको पानी भी मिल गया। नहीं कभी सोचा है आपने, आपके चक्कर में रहते ना तो हमें तो घर पर भी पानी ना मिलता, और आपके इस मंगल के चक्कर में हमारी जिंदगी कितनी अमंगल हो गई मालूम है आपको। पर आप क्यों सोचोगे, आप तो मजे से घूमिए अपने इस फोन के साथ। मैं शर्मिंदगी से गड़ गया और लगभग फुसफुसाते हुए बोला कि भाई साहब आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब पहले जैसा ही तो है। वो भड़क गए, बोले यार दिखाई कहां से देगा, एक्टिव ही नहीं हो आप, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आकर तो देखो एक क्रांति मची पड़ी है वहां, वहां आपको एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी मिल जाएगा। हम लोगों ने दिन रात एक करके प्राणपन से पूरे धर्म से लेके मरण तक सब कुछ बदल कर रख दिया वहां पे, पर आपको क्या। अरे कभी आओ सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट करो, गाली गुफ्तार करो, अपने राष्ट्र प्रेम का सबूत दो, तब तुम देशभक्त कहलाओगे। अब सिर्फ रेलगाड़ी में टिकट लेकर यात्रा करने से, टैक्स बराबर जमा करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता कि लाल बत्ती हुई और रुक गए, हरी बत्ती हुई और चल गए। भैया हम तो कोर्ट कचहरी की दीवार पे पान की पीक नहीं थूकेंगे, सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे। भैया ये सिर्फ चोंचले हैं चोंचले, देशभक्ति नहीं। तो मैंने कहा तो फिर भाई साहब देशभक्ति क्या है? बोले यार आप रहने दीजिए, जाइए यार आप बहुत आगे, जाइए जाइए।